ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर के पास कोई ऑब्जेक्ट रखी हो डिफरेंट पोजीशन पर तो उसका इमेज कैसे बनेगा, ये हमें देखना है। ओके बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखी होती है तो उसका इमेज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर बनता है। अब हम फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं, आप लोग देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है, माइनस इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, माइनस इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनेगा बेटा, एट एफ मीन्स फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। कैसा बनेगा, रियल डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। इट मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर रखी होती है, कॉनकेव मिरर उसका इमेज पॉइंट साइज बनाता है, हाईली डिमिनिश्ड बनाता है और रियल इन्वर्टेड बनाता है बेटा। चलो देखें हम इसको डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, ये कोई ऑब्जेक्ट ए बी है जो माइनस इन्फिनिटी पर रखी हुई है। यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे चल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हो रही है। यहाँ से सेकंड लाइट रे ये चल रही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगी बेटा, ये फोकस से पास होगी। अगर हम थर्ड रे ये ले लें तो थर्ड रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो ये सीधे लौट आएगी और इमेज कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पर बनेगा। तो पॉइंट साइज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। तो ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा। तो फर्स्ट केस आपको फिर रिमेम्बर रखना है। आप बताइए स्टैंड हो जाइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी होगी, बताइए इमेज कहाँ बनेगा, ओके फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, उसका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा बेटा, रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा बेटा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा। ये पहला केस रहा। अब हम केस सेकंड का डिस्कशन करेंगे। केस सेकंड देखिए, अब देखिए बेटा हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है, बियॉन्ड सी रखी है, मीन्स यू ग्रेटर देन टू एफ है। तो चलो देखिए इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। हमारी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू सी है, बेटा ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट ए बी बियॉन्ड टू सी रखी है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए बी बियॉन्ड टू सी रखी है। यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी। कैसी चलेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, बताइए स्टूडेंट, कहाँ से पास होगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। अब सेकंड रे हम जो है, सेकंड रे फोकस से भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं। हम सेकंड रे जो है फोकस से कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड रे हमने कहां से कंसीडर किया, फोकस से। बताइए स्टूडेंट, जो रे फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर से वो रिटर्न होती है, ओके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ओके देखिए,
आपकी फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हो गई, सेकंड ले हमने फोकस से ले लिया, ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दोनों रे कहाँ पर कट कर रही, बी डैश पॉइंट पर, ए डैश बी डैश इसका इमेज हो जाएगा, ये रियल होगा इन्वर्टेड होगा डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा इन्वर्टेड होगा डिमिनिश्ड होगा, बताइए स्टूडेंट इसका इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज की पोजीशन बेटा इस केस में हमारा जो इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ बनेगा रियल होगा इन्वर्टेड होगा डिमिनिश्ड होगा, नाउ वी विल डिस्कस केस थर्ड।